पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कायदे आवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में किसान को हुक दिए, हारी को हुकूक दिए, जमीन का मालिक बनाए। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में, सदर जरदारी के दौर में, तो आज जब पाकिस्तान का ज़राए मईशत तबाह हो रहा है, जब पाकिस्तान का किसान, पाकिस्तान का हारी भूखा सो रहा है, जब ये नालायक ना अहल तरीन हुकूमत ने पाकिस्तान जो एक ज़राए मुल्क का नाम से पहचाना जाता था, पाकिस्तान की ज़रात के बारे में कहा जाता था कि पाकिस्तान की मईशत का रीढ़ की हड्डी है हमारा ज़राए मईशत, और किसानों का फसल तबाह हो जाता है, हारी को अपनी फसल की कीमत नहीं मिलती। खान साहब की नालायक हुकूमत ने जब टिड्डी दल का मसला था तब भी पाकिस्तान के किसानों को लावारिस छोड़ा था। खान साहब की हुकूमत ने पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम की वजह से हमारा किसान की फसल को बार बार नुकसान पहुंचाया है। जो ये खाद का, यूरिया का बोहरान पैदा किया गया है, इससे हमारा ना सिर्फ ज़राए मईशत को नुकसान पहुंच रहा है, आने वाले वक्त में हमारा फूड सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाएगा। पाकिस्तान के किसान हैं, ये पाकिस्तान के हारी है, ये आपसे मुतालबा कर रहे हैं कि हमारा मसाइल हल करो। आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ है कि किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। हुकूमत को खत्म करेंगे, कठपुतलियों का निजाम, सिलेक्टेड निजाम खत्म करेंगे, अवामी राज कायम करेंगे, किसानों का राज होगा, मजदूरों का राज होगा, आम आदमी का राज होगा, तब आपका मसाइल हल हो सकेंगे, वरना हम ऐसे चलते रहेंगे, तब्दीली के नाम पे तबाही होता रहेगा, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत तारीखी सतह पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजी में आपके साथ था, आज भी आपके साथ है, इंशाल्लाह ताला आने वाले कल भी हम साथ ही होंगे।